पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद यानी पीतल नगरी के शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए चयनित होने पर पूरे जनपद में खुशी का माहौल है, तो वहीं निर्यातकों और शिल्पकारों में भी खुशी का एक अलग ही माहौल है। इसी खुशी का इजहार करते हुए आज MHEA के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित हुए शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन के आवास पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी और शॉल पहनाकर तथा बुके देकर सम्मान किया। इस दौरान अवधेश अग्रवाल ने भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम से फोन पर भी बात कराई। फोन पर बात करते हुए जफर इस्लाम ने दिलशाद हुसैन को बधाई और शुभकामनाएं दी, साथ ही कहा कि जब वो मुरादाबाद आएंगे उनसे मिलकर उन्हें बधाई देंगे। इस पर दिलशाद हुसैन ने भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए आभार जताया। जिनको आपके सरपरस्ती में और आपके कारण ये पद्मश्री से नवाजा गया है, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं सर। दिलशाद साहब आप बच्चा जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो वही MHEA के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने EPCH के डायरेक्टर राकेश कुमार से भी फोन पर बात कराई। फोन पर बात करते हुए राकेश कुमार ने भी दिलशाद हुसैन को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने मुरादाबाद के शिल्पकारों के साथ साथ निर्यातकों का भी मान बढ़ाया है और अब पीतल नगरी का नाम एक बार फिर से चमक रहा है। हाँ हाँ सर, अरे साहब बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आप मोहब्बत करते हैं और नहीं जब भी आप मिलते हैं, नहीं आप जब भी मिलते हैं आप इज्जत देते हैं। जी 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 जी, अवधेश अग्रवाल जी, अवधेश अग्रवाल जी यहाँ हैं, आपके नाम से इन्होंने मुझे साल उड़ाई कि भाई ये उनकी तरफ से मुझे बहुत खुश। अच्छा अच्छा, क्या साहब है साहब, नहीं उनका भी कर दिया, हो गई बात मेरी, हो गई बात करा दी इन्होंने सर ने, और बहुत खुश हो रहा है वो भी और बहुत अच्छा लग रहा है। इस दौरान EPCH के CEO और MHEA के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने दिलशाद हुसैन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूर्व में BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम और DG EPCH राकेश कुमार और अवधेश अग्रवाल के द्वारा संयुक्त रूप से गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की गई थी, जिसमें दिलशाद हुसैन के कार्यों की और उनकी कारीगरी के विषय में गृह मंत्री को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि दिलशाद हुसैन को मिला यह अवार्ड मुरादाबाद के कारीगरों और आर्टिजन्स का ही नहीं, संपूर्ण भारत के आर्टिजन्स निर्यातकों का सम्मान है। मैं दिलशाद हुसैन, शिल्प गुरु, राष्ट्रपति से सम्मानित, अब मुझे अल्लाह ने पद्मश्री से नवाज दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ, और जो हमारे राकेश जी हैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ, जफर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सर बैठे हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अवधेश जी जो है, हाँ लिख रहा हूँ, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अवार्ड जो मिला है मुझे, मेरे घर के अंदर एक खुशी का माहौल है। मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मुझे ऐसा अवार्ड मिला, और सरकार ने मेरे लिए काफ़ी इससे पहले भी सोचा, और हमारे जो आर्टिजन हैं उनको भी काफ़ी उठाया है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम से थोड़ा बचते हैं ये लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं राष्ट्रपति जी से ही मिला हुआ हूँ, अमित शाह जी से ही मिला हुआ हूँ, योगी जी से ही मिला हुआ हूँ, और तुम्हारे सभी से इनसे मिला हुआ हूँ। ये इस तरह से मिलते हैं जैसे कि एक परिवार के आदमी से मिलना है, एक खुशी चेहरे पर होते हो। मोदी जी से भी मिला मैं, तो मोदी जी भी एक खुशी
ये खुशी के जाहिर करा और हंस के मिले, तो मैं इसलिए सरकार का ही बहुत करता हूँ और जिन लोगों ने मेरे साथ सहयोग किया, और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो वहीं शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन के द्वारा आवास पर पहुंचे अवधेश अग्रवाल का आभार जताया गया। साथ ही सभी को बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम और डीजी ईपीसीएच राकेश कुमार का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस पद्मश्री अवार्ड मिलने पर मुझे सभी का आभार और प्रेम मिल रहा है। साथ ही कहा कि इस बुलंदी के लिए मुझे सभी का प्यार मिला है, तभी आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। इस दौरान उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि सभी का सहयोग मुझे इसी प्रकार मिलता रहे और मोहब्बत सभी की बरकरार रहे। देखिए, दिलशाद जी को जो ये अवार्ड दिया गया है, ये पूरे मुरादाबाद के आर्टिजन्स का, कारीगरों का और निर्यातकों का ही नहीं, हिंदुस्तान के पूरे कारीगरों का, निर्यातकों का, हस्तशिल्प निर्माताओं का सम्मान है और हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जब हम श्री जफर इस्लाम जी के नेतृत्व में, जो कि राज्यसभा सांसद भी पूर्व हैं और पूर्व प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, वह श्री राकेश कुमार जी डीजी पीसीएच के साथ अमित शाह जी से मिले थे, तब ये बातें उस समय डिस्क्लोज करने की नहीं थी। तब उन्होंने पूछा था दिलशाद साहब के बारे में, तो हम लोगों की विस्तार से चर्चा हुई थी और जफर साहब ने और राकेश जी ने आगे बढ़ चढ़ कर बहुत कुछ जफर साहब के नेतृत्व में बोला गया था दिलशाद जी के लिए, जो कि आज सफल हुआ है इस पद्मश्री के रूप में। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ईपीसीएच के सारे सीईओएस की तरफ से, चेयरमैन साहब की तरफ से, वर्मा जी की तरफ से, राकेश जी की तरफ से, और विशेषकर जिनके नेतृत्व में ये काम हुआ, जफर इस्लाम साहब की ओर से, तो हम अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं दिलशाद जी का, उन्होंने पूरे मुरादाबाद का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।